Friends, welcome to PSC Udaan. So let's start the annual discussion dated October 7, 2019. So first article here is Dhaka says it's reassured by Modi's briefing on NRC. So recently जो बांग्लादेश और इंडिया की bilateral meeting हुई है उसके basis पे जो वहाँ जो शेख हसीना जो है जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश की PM है उनके गवर्नर जो एडवाइसर हैं उन्होंने बोला है कि वी आर जस्ट बिलीविंग ऑन मोदी जी व्हाट ही इज सेइंग अबाउट एनआरसी नॉट द मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे एनआरसी ही इम्पोर्टेंट है कि एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. सो ये आसाम में चल रहा है. सो इससे रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है एनआरसी, और यू कैन गो टू आर वेबसाइट, वहाँ पे भी पूरा एनआरसी से क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अब तक का. क्योंकि 31 अगस्त को इसकी जो लास्ट एनआरसी की लिस्ट है वो आई, इसके 19 लैक्स जो अभी भी लोग एक्सक्लूड किए गए हैं बिकॉज दे डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स कि वो प्रूव कर पाए कि दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर द 1971. बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद ये इंडिया में नहीं आए, उससे पहले के ही हैं. सो ये सब प्रूव करना था एनआरसी में. सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन वॉच और रीड दैट अबाउट द एनआरसी. सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल. लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हेयर द सुप्रीम कोर्ट बेंच टू हियर एरे फॉरेस्ट केस टुडे. सो एक मुंबई रेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या करा है कि 2646 ट्रीज को, ये एरे कॉलोनी है वहाँ पे कट कर दिया है टू मेक द मेट्रो कार शेड. सो उससे रिलेटेड जो एक पिटीशन फाइल की गई है किस तरीके से इतने सारे ट्रीज वगैरह क्यों काट सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है. लेट्स सी जब सुप्रीम कोर्ट इस बेंच पे पिटीशन को देखेगी क्या होगा. सो तब डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा एक अभी आइडिया देने के लिए ताकि आपको आगे क्लिक हो जाए माइंड में कि हाँ हमने चीज़ डिस्कस की थी. सो नेक्स्ट इज द ओनली इंडियन इन द लार्जेस्ट इवन एवर आर्टिक एक्सपेडिशन. तो इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट है वो ये बंदे का नेम, डेट इज़ द विष्णु नंदन. ये इकलौता एक इंडियन है जो आर्टिक एक्सपेडिशन चल रहा है उसका ये पार्ट है, और एक नेटिव है केरला के, और जो स्टडी में हेल्प करना है आर्टिक के क्लाइमेट की, डेट इज़ द नेम इज़ द विष्णु नंदन. तो जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो या UPSC में इस तरीके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि हु नेम द पर्सन जो कि लार्जेस्ट जो आर्टिक एक्सपेडिशन है उसका पार्ट है, डेट इज़ द नेम इज़ द विष्णु नंदन. तो इसका एक नाम लिखा गया है इस एक्सरसाइज का पूरे का, डेट इज़ द मोसाइक. मोसाइक क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्टिक क्लाइमेट. सो ये पूरे इसकी प्रोजेक्ट की पूरी फुल फॉर्म है मोजाइक. तो याद रखेंगे मोजाइक किससे रिलेटेड है? आर्टिक क्लाइमेट से रिलेटेड, आर्टिक क्लाइमेट से रिलेटेड. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट था बताने के लिए, फैक्चुअल चीज मैंने आपको बता दिया. अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं. नेक्स्ट इज द C40 समिट. ये हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, C40 समिट पहले भी आ चुका है, जो अरविंद केजरीवाल जो है कोपेनहेगन में इसकी मीटिंग होने वाली है C40 समिट की, जिसके अंदर जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज हैं वहाँ से लोग आएंगे और वो क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस करेंगे. और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से उन्होंने पॉल्यूशन में कंट्रोल किया अब तक, वो सब वो अपने वहाँ पर बताएंगे. और अलग अलग स्ट्रेटजीज जो अलग अलग कंट्रीज से, जो अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं वहाँ पे आएंगे कोपेनहेगन में, तो वो डिस्कस करें किस तरीके से जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल किया जाए इन मेगा सिटीज. सो दिस अबाउट दिस आर्टिकल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत टाइम से कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गया इसको. सो लेट सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन. ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिस तरीके से जेल रिफॉर्म में हम या प्रिजन रिफॉर्म में हम इसे दे सकते हैं कि एन ओएसिस ऑफ नॉलेज विद इन थार प्रिजन वॉज फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन टू हिंदी इनमेट्स आर लर्निंग एंड इम्पार्टिंग न्यू स्किल्स टू ईच अदर एट अ इंस्टीट्यूट ओपन रिसेंटली ऑन जेल प्रीमिसेस. सो क्या हुआ है कि एक पर्सन है जो जेल में किसी 29 ईयर्स ओल्ड का बंदा है जो इससे एक केस के अंदर जेल के अंदर है, डेट इज़ इन तिहाड़ जेल. तो वो एक एजुकेटेड पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, जो वहाँ के प्रिजनर्स उनको सिखाता है, वहाँ का जो जेल जेल में जो वो है डेट इज़ द ओएसिस सेंटर फॉर लर्निंग जेल के अंदर, वहाँ पे सब कोर्सेज सिखाता है. और यहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो इग्नू के थ्रू एफिलेटेड है, ओपन जो इग्नू हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में उससे एफिलेटेड है ये. तो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उन लोग जो लोग जो प्रिजनर्स पढ़ेंगे जो भी लर्न करेंगे दे कैन गेट द रिलेटेड डिग्री टू दैट थिंग. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है किस तरीके से जेल में भी लोगों को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत
भी है आज के डेट में प्रिजन को क्योंकि वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं आप उसमें एक एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं किस तरीके से, जो एक दूसरे से भी हम जो चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि ये बंदा है कि जिन्होंने खुद एक प्रिजनर होके खुद लोगों को वहाँ पर सिखाने की एक मुहिम स्टार्ट की, जहाँ पर वो लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा है। तो एक तरीके से ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि अगर फैकल्टी वगैरह भी अगर जो वहाँ पर अपॉइंटेड नहीं की जा सकती जेल वगैरह में, तो वहाँ के कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो जेल में आए हैं, जो कि सज़ा काट रहे हैं, तो वो अगर अपनी लाइफ को एक तरीके से सही दिशा में देना चाहें तो इस बंदे की तरह देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो और लोग जो वहाँ पर उनको जो अपनी एजुकेशन है उसको दे रहा है। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। So let's see the next important one. So next is here, promote mother tongue Naidu. It is one eyesight and others language as spectacles, say vice president. So recently world congress of poet हुई है, तो याद रखेंगे जब भी प्रिलिम्स में क्वेश्चन आए कहीं पे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पोइट्स कहाँ पर हुई है, डेट इज इन भुवनेश्वर, और ये 39th वर्ल्ड कांग्रेस है पोइट्स की। तो यहाँ पे जो चीफ गेस्ट डेट इज़ द हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू वो हैं, उन्होंने कुछ बोला है दैट कॉलोनियल रूलर्स ऑलवेज ट्राई टू अटैक द कल्चर बाय डिस्ट्रॉइंग द लोकल लैंग्वेजेस एंड वी शुड नॉट फॉल प्रे टू डैट। तो वही कि किस तरीके से कॉलोनियल रूलर कितनी कोशिश करी हमारे कल्चर को खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की, हमारे लोकल लैंग्वेजेस को खत्म करने की, लेकिन हम फिर भी खड़े रहे। सो इस चीज़ की बात है कि तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था इट इज़ जस्ट अ पॉइंट कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पॉइंट्स कहाँ पर, इट इज़ इन भुवनेश्वर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द उड़ीसा कैंप टू कनेक्ट विद ट्राइबल्स इन मायस्ट हिट एरियाज। तो जो मायस्ट हिल एरिया मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ही किस वजह से, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो सोचते हैं कि उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और प्रॉपर रिसोर्सेज जो उनके यूटिलाइज किए जा रहे हैं उनमें वो नहीं मिले हैं। तो इसको देखते हुए जो उड़ीसा है उन्होंने कैंप किया जा रहा है, जिससे वो जो ट्राइबल्स एरिया हैं, जो मायोस्ट जो लोग हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, उनके थ्रू जो उनको अफेक्ट करता है उनको कनेक्ट कर पाए, ताकि उनको समझा सके कि ये चीज़ गलत है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका वही है कि डेवलपमेंट, उसके लिए जो एक अभियान स्टार्ट किया है उड़ीसा ने, डेट इज़ द स्वाभिमान आंचल इन उड़ीसा टू इंक्लूड दैम इन द गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम में इंक्लूड करने के लिए। तो नाम याद रखेंगे स्वाभिमान आंचल, तो कहाँ की है, डेट इज़ इन उड़ीसा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो दिस इज अबाउट दैट आर्टिकल। सो नेक्स्ट इज here, the police disrupt climate strike in Mumbai. Volunteers seek declaration of climate emergency by government, claim point. Police warn them on array. So array से related जो active जो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल हुई थी उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे जो एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलंटरी ग्रुप है, उसका नाम है एक्सटिंक्शन रिबेलियन। तो याद रखेंगे एक्सटिंक्शन रिबेलियन किस तरीके से एरे क्लाइमेट एरे फॉरेस्ट जो है जिसको काटा जा रहा था उससे रिलेटेड है ये एक्सटिंक्शन रिबेलियन। ओके, सो जब भी प्रिलिम्स में या किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में ये चीज़ पूछे, तो याद रखें एक्सटिंक्शन रिबेलियन किससे, जो मुंबई के अंदर मुंबई रेल कॉरपोरेशन, जो मुंबई मेट्रो बन रही है उसमें जो जो क्लाइम जिसमें वो ट्रीज को काट रहे हैं, एरे फॉरेस्ट को, उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। देन नेक्स्ट इज द NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गूगल ज्वाइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन APABPMJY। तो आयुष्मान भारत को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और गूगल ने हैंड ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो NHA ने किसके साथ हैंड ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो आयुष्मान भारत को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, डेट इज़ द गूगल। तो आंसर गूगल रहेगा। तो याद रखेंगे इस तरीके के वन डे टाइप एग्जाम या जो फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, वहाँ ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट दैट। सो नेक्स्ट इज द एडिटोरियल पेज, अगला एडिटोरियल पेज है जहाँ पे सेडिशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, सेडिशन अनोयंस। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो एक सेडिशन केस रजिस्टर्ड हुआ है 49 प्रोमिनेंट सिटीजन्स के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन के, बिहार मुजफ्फरपुर जगह है, यहाँ पे एक पिटीशन फाइल एक केस फाइल हुआ है सेडिशन का अगेंस्ट 49 सिटीजन्स फॉर राइटिंग एन ओपन लेटर इन जुलाई टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। जिनमें किस लिए, क्योंकि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनको एक ओपन लेटर लिखा था कि रिलेटेड जो मोब लिंचिंग चल रही है, ये मोब लिंचिंग को स्टॉप कराया जाना चाहिए और इस तरीके की जो बिहार मोब लिंचिंग से रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे हैं उस पर उन्होंने लिखा था। तो उसको देखते हुए पता नहीं क्या जो वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने क्या करा कि सेडिशन का केस 49 लोगों पर ठोक दिया। तो पता नहीं किस बेसिस पर इस केस को ठोका है। तो ये रिलेटेड आर्टिकल है कि इस तरीके से किस तरीके से जो सेडिशन है
जो आज से ही नहीं पहले से ही कितना ज़्यादा इस चीज़ को गलत यूज़ किया जा रहा है। देन जो ऑथर है वो कह रहा है, वेल प्राइवेट कंप्लेंट्स टारगेटिंग पब्लिक फिगर्स आर नॉट अनयूजुअल, कोर्ट शुड नॉट विदाउट सफिशियंट कॉज इंडल द मोटिवेटेड आउटरेज ऑफ लिटिजियस कंप्लेंट्स, सुपीरियर कोर्ट्स टू इंटरवीन टू क्वेल अटेम्प्ट्स बाय दोज क्लेमिंग टू बी ऑफेंडेड बाय सम रिमार्क और पब्लिक स्टेटमेंट। तो यही बोल रहा है कि जो छोटे लेवल पर जो कोर्ट्स हैं उनको इस तरीके की कंप्लेंट जो दी जाती है कि आप क्या कहते हैं कि सेडिशन का केस फाइल हो गया है, इनके ऊपर केस देखिए, नहीं, इस तरीके का केस उन्हें लेना ही नहीं चाहिए। जो बड़ी कोर्ट है उनको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि छोटी कोर्ट जो है किस तरीके का सेडिशन केस किसी बंदे के ऊपर लगा रही है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है जहाँ पे बस ये सेडिशन से रिलेटेड ही है लिखा हुआ। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। सो नेक्स्ट इज द बिल डेट अंडरकट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, देर इज एम्पल एविडेंस डेट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज नॉट द जेन्युइन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सो ये आर्टिकल जो है, जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था जिसमें कुछ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी जा रही है उससे रिलेटेड है, तो उसको क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने। तो पहले बता देता हूँ इस ये जो सिटीजनशिप बिल है इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। द पर्सन बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी नेमली हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ दैट एक्ट। आपके सिटीजनशिप बिल के अकॉर्डिंग जो भी हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, अगर ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं तो इनको इलीगल माइग्रेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। और अगर ये 6 साल से एलिजिबल फॉर नेचुरलाइजेशन एज इंडियन सिटीजन एंड फर्दर मोर एट द नॉर्मल प्री कंडीशन ऑफ नेचुरलाइजेशन हैविंग स्पेंट 12 years इन द कंट्री इज हाफ टू 6 years। और जो अगर वो लोग पिछले 6 साल से अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो दे आर नॉट द इलीगल माइग्रेंट। तो ये जो यहाँ पे जो दो चीज़ें की गई हैं, एक तो ये जहाँ पे इन जो कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको बताया और किस किस कंट्रीज़ के साथ। देन नेक्स्ट इज जो ये जो ईयर्स हैं ये रिड्यूस करें जस्ट हाफ। पहले 12 years तक आपको मिनिमम, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं पिछले 12 साल से, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, अगर नहीं तो नहीं, लेकिन वो रिड्यूस कर दी 6 months 6 years के लिए। ओके सो यहाँ पे जो ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है, पहला तो ये जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है जो इंडियन सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, डेट इज़ कि यहाँ पे सारे जो रिलीजन है इंडियन के, इंडिया के, वो सब हैं लेकिन सिर्फ मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे नहीं दिया गया, उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो एक तरीके से ये हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि जो इसका जो अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंदर जो एज, जो ईयर्स हैं रहने के इंडिया में, अगर वो पिछले 12 साल से रह रहे हैं, 6 साल 12 साल से रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप मिलेगी, वो घटा के 6 साल कर दिए। तो ये एक दो चीज़ें हैं जिसको ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है। तो उन्होंने बोला है, इट शील्ड अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड इलीगल माइग्रेंट्स एंड इट क्रिएट्स अ फास्ट ट्रैक टू सिटीजनशिप फॉर दीज इंडिविजुअल्स। द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज दैट इट डज नॉट ऑनर एक्सप्लिसिट कम्युनल बेसिस। तो वही कि एक कम्युनल बेसिस पे अगर लिया गया है तो डेट इज़ द रॉन्ग थिंग। इस तरीके से जो इंडियन सेकुलरिज्म है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। एंड मुस्लिम हु विल नाउ बी डीम्ड इलीगल माइग्रेंट एंड ऑल अदर हु वुड हैव बीन डीम्ड इलीगल माइग्रेंट बट आर नाउ इम्यूनाइज्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इफ दे कैन शो डेट देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कि अगर ये शो कर पाए कि ये लोग जो हैं अगर इंडिया या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो ये क्या होगा, इनको एक्सेप्ट मुस्लिम जो है उनको इंडिया में सिटीजनशिप मिल जाएगी जो 6 साल के लिए अगर इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी। और सिर्फ और दूसरा ये कि सिर्फ इन्होंने जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं इनमें सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म को ही क्यों लिया है, मुस्लिम के अलावा और भी तो कम्युनिटीज़ हैं, ताकि चाहे वो मुस्लिम के अंदर भी तो दो कम्युनिटीज़ हैं, तो ये शिया या सुन्नी, तो आप उनको भी देखिए, उनमें भी माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम्स के अंदर। उसके अलावा जो और भी कम्युनिटीज़ हैं जो आप जो किसी भी रिलीजन में नहीं मानते, उनको, उनके लिए भी कोई इसमें कुछ रिलेटिव सिटीजनशिप में नहीं था। तो इस चीज़ों को उन्होंने, ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया। देन नेक्स्ट व्हाट ही सेज, द रोहिंग्या कम्युनिटी इन म्यांमार अनदर नेबरिंग कंट्री हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू प्रोलॉन्ग्ड पर्सिक्यूशन, एथनिक क्लीनिंग एंड पोटेंशियली जिनोसाइड। तो इसी तरीके का जो बोल रहा है कि इसी तरीके की चीज़ तो रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ हो रहा है, जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ। तो एक तरीके से ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है, ये तरीका है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको एक्सक्लूड करना है और जो हिंदूज हैं और कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूड करना है। तो एक तरीके का ये चीज़ इसमें शो हो रही है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। देन ऑथर कह रहे हैं कि ये जो 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 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये जो हमारा आर्टिकल 14 है जो इक्वलिटी की बात करता है, जस्ट उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और यहाँ पे जो इक्वलिटी ही नहीं है लोगों के बीच में, किस किस कम्युनिटी को देना चाहिए, जो माइनॉरिटी है वो इंक्लूड ही नहीं है, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अ स्टेट दैट सेपरेट्स इंडिविजुअल्स एंड ट्रीट देम अनइक्वली ऑन
palpably arbitrary grounds violates the prescription of the article 14 and the heart and soul of the Indian constitution respecting the dignity of all. तो इस तरीके से जो ये जो कानून है, जो बिल है, इस क्या कर रहा है, जो जो रेस्पेक्ट है और डिग्निटी देने की बात करी गई है हमारे संविधान के अंदर, वो लोगों को हार्म कर रहा है. अगर वो सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर रहा है और जो एज जो मिनिमम ईयर है अगर वो 6 ईयर्स कर रहा है, तो उसको जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि मुस्लिम्स को ही क्यों एक्सक्लूड करा जा रहा है. और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में खाली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम के अंदर भी बहुत कैटेगराइज हैं जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आती हैं, जो जो सिया है, सुन्नी है, देन और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो भगवान बिलीव नहीं करते वो भी हैं, तो उनके लिए कहाँ कुछ लिखा हुआ है इस अमेंडमेंट में. तो ये सब जो ऑथर है उसने डिस्कस किया, क्रिटिसाइज किया है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. नेक्स्ट इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर नाउ, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर ग्रेट रिलेशनशिप बट एरियाज ऑफ कंसर्न रिमेन. तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में जो मीटिंग हुई है, तो वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस एडिटोरियल में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ टाई अप हुए हैं, कहाँ कहाँ MOU साइन हुए हैं और क्या क्या जो कंसर्न है वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं. तो पहला है अपग्रेडिंग पोर्ट फैसिलिटीज. तो दोनों ने दोनों ने कमिटमेंट किया है कि दोनों लोग क्या करेंगे, अपने जो पोर्ट फैसिलिटीज है इनको इम्प्रूव करेंगे. एंड जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो अभी तक देने की बात की गई थी बांग्लादेश को, पूरा नहीं मिला है वो, उसको पूरा देने की बात करी जा रही है. देन कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम की, देन एग्रीमेंट ऑन एजुकेशन, कल्चर एंड यूथ, बॉर्डर मैनेजमेंट, काउंटर टेरर कॉरपोरेशन एंड रीजनल ट्रायलेटरल एनर्जी शेयरिंग अरेंजमेंट विद भूटान, जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है, ये उससे रिलेटेड ये सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ. और क्या क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं अभी भी, वो तिश्ता इशू जो ममता बनर्जी की वजह से अटका हुआ है, देन NRC का जो इशू है उस पर भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई. सो यही थे अगली क्वेश्चन आए इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप पे, तो क्या क्या कंसर्न है अभी भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और कहाँ कहाँ जो हमारे टाई अप्स हुए हैं, दीज आर ऑल द दीज टाई अप्स. तो ये टाई अप्स हैं. तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एडिटोरियल इज द रोड टू इकोनॉमिक रिवाइवल रन्स थ्रू एग्रीकल्चर. तो ये फिर अगेन हमें कम से कम हफ्ते में 2 या 3 आर्टिकल मिल जाते हैं जो इकोनॉमिक को बूस्ट करने के, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है. तो रिसेंटली जो रिजर्व बैंक ने जो मीटिंग हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो एक्सपेक्टेड इस बार के जो GDP ग्रोथ रहते हैं 2019-20 की, एट इज 6.1%. तो उसको देखते हुए जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि जो अगर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एग्रीकल्चर पे. तो एग्रीकल्चर को देखते हुए उन्होंने बोला है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी थी 2000 की, जिसने बोला था इट शुड हैव बीन अराउंड 4% टू अटेन एन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8%, कि अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4% हुई तब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 8% होगी. लेकिन आज की डेट में जो रियल एग्रीकल्चर का जो वैल्यू एडिशन है, डेट इज़ ओनली 2.9% है. सो इस तरीके से जो अगर ये देखा जाए तो किस तरीके से हम जो टारगेट है हमारा, डेट इज़ द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या फिर डबलिंग द फार्म इनकम, उससे वो किस तरीके से अचीव करेंगे. तो ये सब जो ऑथर ने इसमें बोला है. देन ही मैंशन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन विगोर्टिंग क्रूशियल इकोनॉमिक सेगमेंट, और बोला है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर ही है. और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट है उसको फोकस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पे के ऊपर. तो उन्होंने फिर नेक्स्ट ऑथर ने बोला है कि रिफॉर्म लाने के लिए कि एक अलग तरीके की काउंसिल बनाई जाए, जैसे कि GST काउंसिल है GST के लिए, टैक्सेस के लिए, ऐसे एग्रीकल्चर के लिए काउंसिल बनाया जाए, डेट इज द नेम इज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काउंसिल इन लाइन विद द GST काउंसिल इज अ डायर नीड टू मेक एग्रीकल्चर रिफॉर्म मोर एक्सप्रेसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव. तो एक तरीके एक अलग बॉडी बनाने की बात करिए काउंसिल, जो सिर्फ ध्यान देगी किस तरीके से जो एग्रीकल्चर उसके अंदर रिफॉर्म लाए, उसे एक्सप्रेसिव बनाए, उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाए, और किस तरीके से उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. दिस ऑल्सो नीड टू रिविजिट रीजनल क्रॉप प्लानिंग, किस तरीके से क्रॉप प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं मॉडल तैयार करने होंगे. क्यों? क्योंकि जो इंडियन फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं किस पर, करते हैं मानसून पर करते हैं. अगर मानसून जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी क्रॉप फेल होने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए जो एक बॉडी बनाए, जो काउंसिल बनाए जाए, वो देखे किस तरीके से अलग अलग मॉडल्स लेके आए अलग अलग मानसून क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से. देन टू मेक एग्रीकल्चर इंजन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया 2.0 बाय 2022. तो अगर इंडिया ग्रोथ अगर इंक्रीज करनी है तो दे जस्ट हैव टू डू दिस थिंग्स. तो ये करने की बात करी ऑथर ने. तो दिस इज अबाउट दिस, यही बोला ऑथर ने सिर्फ. सो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म इज नॉट सेडिशन. The threat of sedition led to unauthorized self-censorship and has a chilling effect on free speech. तो ये sedition से related ही article है, जो 49 लोग हैं जो eminent persons है बिहार के मुजफ्फरपुर के, जिनको ऊपर केस लगा दिया sedition का, कि अगर क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो बोला था कि मॉब लिंचिंग पे थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ कानून लाना चाहिए. तो पता नहीं किस बेसिस पे जो ये लोग हैं उनको बोल दिया कि आप सेडिशन के अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट की अगेंस्ट में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या करा, उस पर सेडिशन केस लगा दिया. तो इसी से रिलेटेड ऑथर ने बोला है कि द सोल ऑफ गांधी फिलोसफी ले इन द राइट टू डिसेंट, कि बोलने का हक, फ्रीडम टू स्पीच, ये जो लोगों का अधिकार है, यही लोगों का
छिन जाता है, तो ये इंडियन जो डेमोक्रेसी उसका क्या फायदा है। और पहली बात तो ये कि जो क्रिटिसिज्म है उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार की आलोचना करने का या सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है अगर कोई वॉयलेंस हो रहा है या कुछ इस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, देन यू कैन अप्लाई दिस सेडिशन। लेकिन अगर आप मॉब लिंचिंग के केस में बोल रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो उस बेसिस पर आप किस बेसिस पर आप सेडिशन लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट ही मेंशन द सबसे पहला सेडिशन आया था वो 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर आया था, वेयर लॉ मेकर्स बिलीव द ओनली गुड ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट शुड सर्वाइव एज बैड ओपिनियन वर डिटरमेंटल टू द गवर्नमेंट एंड मोनार्की। तो ये इसलिए आया था क्योंकि उस समय लॉ मेकर्स थे, उन्होंने सोचा कि सिर्फ सही जो अच्छे ओपिनियन है गवर्नमेंट के लिए वही सर्वाइव करें और जो बैड है उनको खत्म कर दिया जाए। तो उसको देखते हुए सेडिशन लॉ पहली बार 17th सेंचुरी में लाया हुआ था। और इसी सेडिशन लॉ के अंदर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है 1897, वो सेडिशन 124A के अंदर जो है इसके इस आर्टिकल सेक्शन के अंदर जेल गए थे, एंड हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट टू डिसअफेक्शन जो है इसी टाइम पे ये वर्ड्स हुए हेट्रेड हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट की सरकार के खिलाफ हेट्रेड और कंटेम्प्ट करना, ये डिसअफेक्शन ये सेडिशन में ऐड किया गया था जब बाल गंगाधर तिलक जेल के टाइम जब वो सेडिशन के अंदर पकड़े गए थे। देन द गवर्नमेंट हैज कन्वर्टेड द एंटायर नेशन इनटू अ प्रिजन एंड वी आर ऑल प्रिजनर्स। तो ये एक लाइन है जो बाल गंगाधर तिलक ने उस समय बोले थे कि गवर्नमेंट जो है पूरे देश को एक तरह पे जेल बना देगी और हम सब क्या होंगे वहाँ के कैदी। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सम ट्राइड टू इंक्लूड सेडिशन एज अ ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्टिव फ्री स्पीचेस। सो जो बाद में आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी तो उन्होंने भी इस कानून को सेडिशन लॉ को रखा, ताकि क्यों, क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ती है कि जो फ्री स्पीच होती है जहाँ पे लोग जो बाकी लोग हैं उनको भड़का देते हैं उनको रोकने के लिए सेडिशन कानून को रखा गया। लेकिन उसका भी आज के डेट में गलत यूज़ किया जा रहा है। इन 1962 में केस है सुप्रीम कोर्ट का जो बिटवीन द केदारनाथ सिंह एंड द स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ पे इट अपेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेडिशन बट लिमिटेड इट्स एप्लीकेशन टू एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर। तो ये इसमें बताया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सेडिशन का मतलब है और कहाँ तक ये लिमिटेड है। तो बोला कि टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। सो अगर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है कानून का या वायलेंस हो रहा है, देन दैट पार्ट इज कम अंडर दिस सेडिशन। क्योंकि सेडिशन के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं कि क्या आप सेडिशन को कह सकते हैं, तो जो कोई केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वही बताते हैं कि क्या क्या मतलब है किस किस चीज़ का, किस किस तरीके से जो संविधान है वो क्या कहना चाहता है, वो सब काम किसका है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था कि इसका मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो यही चीज़ें हैं जो कोर्ट में मैंशन हुई। देन 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया बलवंत सिंह इन स्टेट ऑफ पंजाब, एंड द पर्सन फ्रॉम चार्जेस सेडिशन फॉर शाउटिंग स्लोगन सच एज खालिस्तान जिंदाबाद एंड राज करेगा खालसा। तो इस तरीके के जो खालिस्तान जिंदाबाद जो है इस तरीके के नारे पंजाब में उठे, तो इनके लिए सेडिशन की बात करी गई थी आउटसाइड सिनेमा आफ्टर द इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद। तो इसको भी बोला कि इस तरीके से अगर नारा कोई लगा रहा है दैट इज नॉट कम इन द सेडिशन। तो इस चीज़ ये चीज़ें तो कानून जो भी सुप्रीम कोर्ट केसेज हैं तो वो एक क्लियरिटी देते हैं कि क्या किस चीज़ें आप सेडिशन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके ऊपर जो पिटीशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो देखते हैं कि क्या होगा, फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज बजट वर्क टू स्टार्ट ऑन अक्टूबर 14। तो जो अगले साल का बजट है उसका काम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि बजट स्टार्ट होने वाला, कुछ ना कुछ डेली न्यूज हम देखते रहेंगे थोड़ा बहुत बजट के ऊपर। तो नेक्स्ट इज द इन चाइना इमरान टू टेक अप जम्मू एंड कश्मीर इशू। तो इन चाइना में जो इमरान खान है वो मिले जा रहे हैं, तो उस पर वो क्या डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर इशू के ऊपर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जस्ट दो टू थिंग्स, दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। तो CPEC जो BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसी का पार्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया के जो POK वाला रीजन है जो पाकिस्तान के पास है वहाँ से होकर ये कॉरिडोर जा रहा है जो ग्वादर पोर्ट तक जाएगा, ताकि जो ऑयल सप्लाई है जो चाइना को ऑयल सप्लाई होती है वो जल्दी मिल सके, क्यों वरना उसे पूरा जो इंडियन ओशन से क्रॉस करके जाना पड़ता है साउथ चाइना से होते हुए, तब जाके वो पहुँचता है। उसको डायरेक्टली चाइना में पहुँचाने के लिए जो कॉस्टिंग है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो कॉरिडोर है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, सो अब SCO के बारे में देख लेते हैं SCO क्या है। तो SCO इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम क्या है पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लेके आना किसी भी उस रीजन के अंदर। और ये कब बनाई गई थी, ये 2001 में बनाई गई थी और साइन की गई थी 2002 में और फोर्स में आई थी 2003 के अंदर।
और इसके अंदर दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, रशियन एंड चाइनीज, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एससीओ की, संघाई कॉपरेशन की। अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो सेंट्रल इंडिया के कुछ मेंबर्स हैं एंड देन जो इंडियन पाकिस्तान, तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडियन पाकिस्तान, तुर्केमिस्तान इसका मेंबर नहीं। सेंट्रल इंडिया में जो फाइव हैं उनमें सिर्फ तुर्केमिस्तान इसका मेंबर नहीं, बाकी चारों हैं, और बाकी जो चाइना, रशिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, और जिसे सबसे लास्ट में जो ज्वाइन करा दैट इज बाय इंडिया पाकिस्तान। ओके सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल, लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड देयर इज नो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नाउ। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी गाइज यू कैन मेल अस टू अवर जीमेल आईडी और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। So thank you guys and have a nice day.